हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चेहरे को गोरा, बेदाग और चमकदार बनाने का एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस नुस्खे में मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू चीजों से ये नुस्खा बनाने का तरीका बताऊंगा जिसे आप काफी आसानी से बना सकते हैं। और हमने जो भी चीजें इस नुस्खे में ली हैं, सारी की सारी चीजें आपको आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं इस नुस्खे को बनाने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले खाली बाउल की। आपको एक खाली साफ सुथरा बाउल लेना है और इस खाली बाउल में हम सबसे पहले जो चीज लेंगे वह दोस्तों 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 1 चम्मच इसमें गेहूं का आटा लेना है। दोस्तों, गेहूं का आटा काफी पुराने समय से महिलाएं अपने चेहरे के कालेपन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करती आ रही हैं। गेहूं का आटा हमारे चेहरे के कालेपन को दूर करता है, साथ ही इसके छोटे छोटे कण हमारे त्वचा पर स्क्रबिंग का काम करते हैं जिससे हमारे त्वचा से मैल और गंदगी बाहर निकलती है, साथ ही इससे बंद पोर्स भी खुल जाते हैं। दूसरी चीज जो हम लेंगे वो दोस्तों हल्दी पाउडर। हम इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर भी हमारे त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होती है, ये हमारी त्वचा पर काफी तेजी से निखार लाती है। फिर इसके बाद हम जो लेंगे वो दोस्तों आधा कटा हुआ नींबू। नींबू के हम इन बीजों को निकाल देंगे। नींबू एक प्राकृतिक ब्लीच है दोस्तों, जो हमारे चेहरे को गोरा बनाने का काम करता है। नींबू के रस में काफी ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे त्वचा से कालेपन को दूर करते हैं, साथ ही हमारे त्वचा से झुर्रियों को खत्म करता है। तो आपको इसमें आधा कटा हुआ नींबू का पूरा रस जो है निचोड़ देना है। दोस्तों, ये एक प्राकृतिक फेस पैक है जो आपके चेहरे के कालेपन को दूर करेगा, साथ ही आपके चेहरे पर जितने भी कील मुहासे हैं और काले दाग धब्बे हैं उन्हें भी हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगा। तो तीनों चीजें लेने के बाद में दोस्तों आखिरी चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों कच्चा दूध। आपको इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड करना है। अब आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करना है। और आपको लगे आपका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध और ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये आपका जो पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। काफी अच्छा पेस्ट बना है, बहुत ही स्मूथ सा। अब इसे जो लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप जो उंगलियों से इस तरीके से इस पेस्ट को लें और अपने पूरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से आपको एक फेस पैक की तरह से अप्लाई करना है। पूरे चेहरे पर आपको इसे लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद दोस्तों आपको उंगलियों से इस तरीके से इसे गोल गोल स्क्रब करते हुए रफ करना है। फिर इसके बाद में दोस्तों आप अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर साफ कर लें। इस तरीके से स्क्रब करने से दोस्तों ये आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी है, बंद पोर्स हैं, सबको खोलेगा और आपके चेहरे को एकदम गोरा, चमकदार और सुंदर बनाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय।